हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं जॉइन आयुष ब्लॉग्स। तो आज गांव में पहली बारिश हुई है, यानी अच्छा ठीक है कि गर्मी आने से पहले जो सबसे पहली बारिश होती है वो गांव में आ चुकी है। और ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। इस लोग बोलते हैं कि इस बारिश में भीगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज जब ब्लॉग बना रहा हूं तो आज आप लोग को दिखाता हूं कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ये देखिए और ये देखिए, ओ सेट, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और लोग बोलते हैं भीगना नहीं चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग को पहले से पता था कि पहली बारिश में भीगना चाहिए या नहीं। तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, भीगना तो चाहिए लेकिन अकेला हूँ, क्या कर सकता हूँ। कोई और होती नहीं होता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे दोस्तों मजाक था, इसको सीरियस मत लेना लेकिन आप दिल की गहराइयों को बात समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो समझ रहे हो ना। तो ये देख सकते हैं पहली बारिश। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तुलसी माता का पेड़ लगा हुआ है। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ये देखिए। पहली बारिश है गांव का। मेरी माता जी आ गई थी, डांट रही हैं, बोल रही हैं भीग वीडियो बना रहा हूँ, भीग भीग के वीडियो बना रहा है, क्या ज़रूरत है, बारिश बंद हो जाएगी तभी वीडियो बनाने का। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पहली बारिश थी। और लोग बोलते हैं ना कि पहली बारिश भीगना नहीं चाहिए, वो क्या होता है, दाने निकल आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा ख़राब हो, तो ये देख सकते हैं कोई दाना नहीं चेहरे पे मेरे। तो आप लोग भी भीगना मत, पहली बारिश है। लेकिन हाँ, वो लोग भीग सकते हैं जिनके साथ भाई, जो सिंगल होगा वो क्यों भीगेगा, और जो मिंगल होंगे तो वो तो भीग ही सकते हैं। और वैसे अब जो गाँव में है, गाँव में बरसात की मजा लें। वैसे जो सुल्तानपुर से हो, वो तो सुल्तानपुर में चारों तरफ बारिश थोड़ी ना हो रही है, हमारे गांव में हो रही है, मतलब हो रही है। आइए चलिए आपको और दिखाते हैं बारिश के चलते कितनी परेशानियां आ गई हम लोग को। अचानक में बारिश आई, वैसे बादल तो थे, कल रात से ही बादल थे, बट जो अचानक से बारिश आई उसके कारण क्या क्या हुआ। हमारी बेचारी गाय बांधी थी, बारिश आ गई जल्दी से, तो उसको मुझे जो है छाए में करने पड़े। तो आइए मैं दिखाता हूँ पहले मेरी गाय कहाँ बांधी गई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं दिखाते हैं, ये देखिए पूरा ज़मीन गीला हो गया है बारिश के चलते। ये देखिए, पहले यहाँ बांधी गई थी, अब जो है इसको लाके यहाँ बांध दिए हम लोग। इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, ये देखिए कितना गीला हो गया है। ये देखिए, ये बांधी गई है, एक गाय और उसका बेबी बांधा गया है। फिलहाल अभी काफ़ी कम हो गई बारिश, तो इसलिए मैं बाहर निकल आया हूँ। मेरी माता जी भी अंदर चली गई हैं, देख नहीं पा रही मुझे, नहीं तो आगे फिर डांटने लगती। लेकिन अब क्या करें, हमारी आदत हो गई है। और तो अब देखो कितनी परेशानियाँ हो गई हमको बारिश के चलते। बट बोलते हैं ना, पहली बारिश बहुत ही मज़ा देती है। अब देखो आम का बौर पूरा लगा हुआ है, आम का पेड़ है पूरा, ये देखिए, देख सकते हैं। और पता है दोस्तों, मेरी दादी बोल रही कि ये जो बारिश आई है, ये आम का जो है फल लेके चला जाएगा। ये देखिए मेरा कैमरा, देखिए बारिश की बूंद पड़ गई तो ये पूरा ब्लर आ रहा है, इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा यार। ये देखिए साफ हो गया, क्लियर, मतलब इतना सटीक नहीं सारा था बारिश की बूंदों का, कैमरा पे आके गिर गया, कितना अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरी दादी क्या बोल रही, मेरी दादी बोल रही अब जो बारिश आई है, भगवान ना चाहते हैं कि जो है आम ना फल दे अब की बार। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, कि होता ना बारिश ज़्यादा होने लगती है तो वो जो जो फूल लगा हुआ है आम में, जो बौर लगा हुआ है, वो जो है ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उसमें फल नहीं लगता है। तो अब जो आम वाम सेल करते होंगे, आम का बगीचा होगा जिनके, तो उनको बहुत ये पहली बारिश जो है बहुत प्रॉब्लम देती है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो वो तो भगवान से मना रहे होंगे कि बारिश बंद हो जाए। फिलहाल बंद हो गई, कोई ज़रूरत नहीं मनाने की नहीं है अब, लेकिन मौसम ख़राब है, कोई वो नहीं कि हमेशा के लिए बंद रहेगा, बारिश हो सकती है या ना भी हो सकती है। तो इतना परेशान इस बारिश के चलते, तो आप लोग देख सकते हैं ना कितना प्रॉब्लम हो रही है। और
कितना अच्छा व्यू आ रहा है घर का, क्योंकि धूप नहीं है ना तो पूरा एकदम बादल बादल है, तो अच्छा व्यू आ रहा है चारों तरफ का। तो ये सब है। और दोस्तों ये बारिश यहाँ पे लगी है मेरे, क्योंकि पिछले बारी बारिश पे जो है मेरे साथ था कोई, जो अभी नहीं है, तो सोचने पे मुझे मजबूर कर दे रहा है। तो वही है ना, बरसात के दिन आए हम सोच में थे जिनके। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग के यहाँ पहली बारिश हुई कि नहीं हुई, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सपोर्ट करो यार, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।